अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम कापी जो मार्कर होता है उसको कन्वर्ट करेंगे वाइट बोर्ड मार्कर में। मतलब हम जो कापी वाला मार्कर होता है उसको इस तरह बनाएंगे कि हम उसे वाइट बोर्ड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अक्सर घरों में बच्चों के पास छोटा वाइट बोर्ड होता है, बड़ा वाइट बोर्ड नहीं होता जो अक्सर क्लासेस में लगा हुआ होता है। तो जो छोटा वाइट बोर्ड होता है उस पे अगर हमारा जो कापी वाला मार्कर है अगर हम वही यूज़ करने के काबिल हो जाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, वरना तो वाइट बोर्ड वाला बड़े वाइट बोर्ड वाला मार्कर से जब हम लिखते हैं तो हम थोड़ा काम लिख पाते हैं और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होता। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि कैसे हम कापी मार्कर को वाइट बोर्ड मार्कर में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, आपने अपने मार्कर से वो पाइप निकाल लेना है जिसके अंदर इंक भरी जाती है और मार्कर की निब निकाल लेनी है। सेकेंड स्टेप यह है कि आपने मार्कर का पाइप लेना है, उसको पानी में अच्छी तरह धोना है, मतलब उसकी सारी इंक जो भी उस पाइप के अंदर जितनी भी इंक होगी वो सारी आपने निकाल लेनी है पानी में भिगो के, ठीक है, इस तरह प्रेस कर कर के। और इस तरह आपने तब तक करना है जब तक सारी इंक निकल नहीं जाती, और उसको निकालने के बाद से छिड़क लेना ताकि पानी भी उसमें से निकल जाए। उसके बाद आपने वही निब जो निकाल लिया उसको भी इसी तरह पानी में 10 मिनट के लिए आपने डुबोना है। 10 मिनट के बाद डुबोने के बाद आपने दोबारा ये निब उठा के जिस तरह वो पाइप को आपने धोया है सेम इसी तरह आपने इस निब को भी पानी में धोना है ताकि इसमें जितनी भी इंक जज़ब हुई भी हो वो सारी निकल जाए। स्टेप नंबर 3 है कि आपने दोनों चीज़ें लेनी है, निब और वो पाइप, उसको या फिर धूप में रख के सुखा लो या फिर ऐसे ही उसे पड़ा रहने दो, वो पड़ा पड़ा खुद ही सूख जाएगा। इस कदर सुखाना है कि प्रेस करने से पाइप के अंदर से ना तो पानी निकले ना वो पुरानी इंक निकले। स्टेप नंबर 4 है, आपने निब को पाइप के अंदर इस तरह एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद आपके पास जो वाइट बोर्ड वाली इंक होगी उसके अंदर इस पाइप को और निब को डुबो के रखना है। उस टाइम तक डुबो के रखना है जब तक ये जो पाइप आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये ब्लैक ना हो जाए, मतलब ये खुद ब खुद अभी उस इंक को जज़ब करता रहेगा, ठीक हो गया। तो मैंने इसको ऐसे रख के रखा, इसको थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये कम्प्लीटली मतलब जज़ब नहीं हुआ था, ऊपर तक नहीं आया था। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इंक ली, उसको उसके ऊपर वाली साइड से इंक डालना शुरू कर दी जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो इस तरह मैंने इसको कम्प्लीटली तौर पे इसको क्या कर लिया, इस पूरे पाइप के अंदर इंक भर दी। आपने भी सेम इसी तरह इस पूरे पाइप में ये वाली इंक भर देनी है। तो देखो यहाँ पर यह पूरी इंक भरी गई है। फाइनल स्टेप यह है कि आपने अपने मार्कर के अंदर वो जो पाइप और निब निकाली थी ये जो अभी जिसमें हमने इंक भरी है वो पाइप में सेम उसी तरह फिक्स कर देना है, ठीक है, मतलब निब की जगह निब और पाइप की जगह पाइप डाल के पीछे से उसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने मार्कर लेकर उससे इस तरह रैंडमली लाइनें लगानी है बहुत ज़्यादा, ये इसलिए कि जो मार्कर से जो निब इंक है वो निब में पहुंचना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप पहले अटैम्प्ट में ही लिखो तो ये लिखना शुरू हो जाएगा, तो आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह रवां कर लेना। लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं चलता तो इसका मतलब या तो वो अभी सूखा ही नहीं है ठीक, ठीक है, या फिर उसमें से जो मतलब इंक जो भरी है वो कम्प्लीटली तौर पर ठीक नहीं भरी है। तो आपने सेम यही प्रोसीजर दोबारा से करने हैं, इंशाल्लाह ये ज़रूर वर्क करेगा। तो ये देखो मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखा है, अब मैं आपको इसको मिटा कर भी दिखाऊंगा। तो ये आ गया हमारे पास डस्टर, तो हमने इसको डस्टर से इजीली मिटा भी दिया।